कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जहां अब दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में हालात कुछ सुधरते हुए दिख रहे हैं, वहीं उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में गाँव में महामारी का असर तेजी से दिख रहा है। बीते कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों के गाँव से बड़ी संख्या में मौतें दर्ज की गई है और हर किसी के पीछे कोरोना के शुरुआती लक्षण ही वजह बनते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में फैल रहे कोरोना के मामले को लेकर कुछ निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। केंद्र ने अपील की है कि राज्य सरकारों को इन इलाकों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी बेस्ड सेंटर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। केंद्र ने साथ ही अपील की है कि राज्य सरकारों को अब ग्राउंड लेवल के स्टाफ को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि अंदरूनी इलाकों में स्क्रीनिंग के वक्त इसका इस्तेमाल हो सके और अधिक से अधिक टेस्टिंग की जा सके। दरअसल रविवार को केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अगुवाई में सभी राज्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें मौजूदा स्थिति और ग्रामीण इलाकों को लेकर तैयारी पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्र की ओर से राज्यों को कहा गया कि ग्राउंड वर्कर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, ब्लॉक लेवल के नोडल ऑफिसर को कंटेनमेंट जोन बनाने, अंदरूनी इलाकों में स्क्रीनिंग टेस्टिंग करवाने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों को लेकर हर दिन रिव्यू बैठक होनी चाहिए जिसमें ताज़ा हालात की जानकारी ली जा सके। इसके अलावा आशा वर्कर्स, पंचायतों के सदस्यों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कोविड के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उन्हें कोविड के शुरुआती लक्षण की जानकारी हो। केंद्र की ओर से सलाह दी गई है कि ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी के जो सेंटर्स हैं उन्हें भी आइसोलेशन सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही ऐसी जगहों पर टेलीमेडिसिन पर जोर दिया जाए ताकि हर तरह से मामले से निपटा जा सके। लेकिन इन सबके बीच नॉन कोविड मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी होगी और दूसरी बीमारियों को लेकर भी ध्यान देना होगा। वहीं आईसीएमआर की ओर से राज्यों से अपील की गई है कि वो अंदरूनी इलाकों में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग करें। इसमें एंटीजन टेस्टिंग का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर हो सकता है क्योंकि इसमें कम वक्त में ही रिजल्ट आपके सामने होगा। दरअसल कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां ग्रामीणों में अगर बुखार या सर्दी जुखाम जैसे लक्षण है तो वो कोविड टेस्टिंग से बच रहे हैं और उसे सामान्य मानकर अपना इलाज कर रहे हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में खुद को आइसोलेट करने की भी सुविधा नहीं है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है जिसमें बीमारी फैल रही है। वहीं अस्पतालों को लेकर गाइडलाइंस दी गई है, उसे भी लागू ना करने से हेल्थ केयर पर भी संकट आ रहा है। हरियाणा के बोपाड़ा गांव में दो हफ्ते में 30 मौतें दर्ज की गई, सभी में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण थे लेकिन किसी को कोविड टेस्ट नहीं हो पाया। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जहां मेरठ, बागपत, बिजनौर के गांव में लोगों को बुखार और जुकाम है लेकिन टेस्टिंग की फौरी तौर पर कोई सुविधा नहीं है। इससे पहले भी पूर्वांचल के इलाकों में गंगा में बहती हुई लाशें बता चुकी है कि गांव की स्थिति कैसी है। बिहार से लेकर यूपी तक गंगा किनारे पर कई लाशें दिखी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट।